ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। एटा में दो दिन पूर्व हुई मौत, 5 लोगों के शव मिलने के मामले में एटा एसएसपी द्वारा पुलिस खुलासे पर मृतकों के परिजनों ने उठाए गए सवाल के बाद राजनीतिक बयानबाजी और शहरवासियों द्वारा जल्द निष्पक्ष खुलासे को लेकर बन रहे दबाव के बाद तीसरे दिन घटना स्थल का निरीक्षण करने आए अलीगढ़ रेंज के डीआईजी प्रतिंदर सिंह एटा पहुंचे। वहीं पुलिस की पॉइजन वाली थ्योरी को पलटते हुए पत्रकारों को बताया कि 4 मृतकों के विसरा प्रिजर्व किया गया है, उसमें पॉइजन वाली कोई बात नहीं है, इसलिए विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं डीआईजी ने पीड़ित परिजनों को उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है और पीड़ित परिजनों ने डीआईजी के आश्वासन पर संतोष जाहिर किया है। बता दें कि यह पूरा मामला रविवार को एटा पुलिस द्वारा मामले के खुलासे के बयान देते हुए कहा था कि पोस्टमार्टम में 4 मृतकों की बॉडी में विषाक्त भोजन निकला है, जिससे पता चलता है कि बहू ने ही चारों को जहर देकर मारा है, फिर खुद आत्महत्या कर ली। एटा पुलिस की इस थ्योरी पर मृतकों के परिजनों ने असंतोष जाहिर करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन आज डीआईजी के बयान ने इस पूरे मामले को पलट कर रख दिया, जिससे इलाकाई पुलिस बैकफुट पर आ गई है और डीआईजी ने तफ्तीश को तेज करने के आदेश देते हुए मामले की धाराओं को परिवर्तित करने के आदेश दिए हैं। रामेश प्रसाद पचौड़ी, आपके भतीजे और 4 भाई की जो 5 युवासनी के जो है सब मिले थे, क्या कहेंगे इस बारे में? आप लोग डीआई से मिलकर आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने जो है निष्पक्ष, हमने निष्पक्ष जांच की मांग की थी, उन्होंने निष्पक्ष जो है जांच कराने की पूरा आश्वासन दिया। कल आप किस टीम से जांच कराना चाहते हैं? वो उन्होंने वैसे उन्होंने कहा कि आप जो कहें वो करें, लेकिन हम SIT नियुक्त करें इस मामले में, SIT नियुक्त करने वाले। हाँ, तो अभी आप डीआईजी साहब से बात ही संतुष्ट हैं? अभी तो संतुष्ट हैं, उन्होंने जो है पूरा आश्वासन दिया है, पूरा आश्वासन दिया है और न्याय की जल्दी मांग की है हमने। विसरा की रिपोर्ट आने पर होगा खुलासा। वहीं डीआईजी प्रतिंदर सिंह ने एटा पुलिस की पॉइजन वाली थ्योरी को पलटते हुए बताया कि 4 मृतकों के विसरा प्रिजर्व किया गया है, उसमें पॉइजन वाली ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए विसरा की रिपोर्ट आने के बाद जल्द खुलासे की बात कही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो अधिकारियों के साथ बैठक थी, DM SSP और जिले के बाकी ऑफिसर्स थे, हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, जो हम कोरोना पेंडेमिक से जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा लॉकडाउन है, लॉकडाउन के साथ साथ जो सप्लाई चेन कैसे मेंटेन करनी, हमारी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, बाकी हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे इफ़ेक्टिव ढंग से उसको हमें आगे ले जाना है, उस पर ज़िले के ऑफिसर्स ने हमसे हमें ब्रीफ किया और सबसे उस पर वार्ता हुई। फिर जो इंसिडेंट एटा में हुआ था, उनके परिवारजनों को और जान पहचान के लोगों को बुला के उनसे बात की गई थी और उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हमारी बेस्ट पॉसिबल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इसमें कार्य करेगी। फॉरेंसिक टीम को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम के लिए भी बुलाया जाएगा और जो भी उनके पोस्टमार्टम में विसराज प्रिजर्व हुए हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हम डायरेक्टर FSL से बात करके उसको इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उसके परिणाम आए और साक्ष्य एकत्र करते हुए जो भी हमारे पास साक्ष्य एकत्र होंगे उस बेसिस पे घटना के तय तक पहुंचा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की तय तक पहुंचा जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि इस घटनाक्रम को हम इफेक्टिवली एविडेंस के बेसिस पे किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, किन कारणों से ये इंसिडेंट हुआ, उसकी पूरी तय तक जा पाए। अभी तक पुलिस और परिजनों के बीच हत्या और आत्महत्या का मामला एक एक करके, परिजनों ने कहा है कि जो बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेटिंग टीम आप लोग बनाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि विवेचना निष्पक्ष हो, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो और साक्ष्यों के आधार पे जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश हो। डीआईजी साहब, अभी पुलिस और परिजनों के बीच में हत्या और आत्महत्या का मामला उलझा हुआ है, इसी बात को लेकर आपका इस पर क्या डायरेक्शन? पुलिस और परिजनों के बीच में इसमें मामला उलझा हुआ ऐसी कोई बात नहीं है, साक्ष्य हम कोशिश कर रहे हैं कि साक्ष्य एकत्र करें, जैसे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मॉदरिंग आई है उस बेसिस पे हम इस पूरे घटनाक्रम को धाराओं में तरमीम कर रहे हैं, मर्डर की धाराओं में तरमीम करके उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, फिर जो साक्ष्य आएंगे उस बेसिस पे घटना को
जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए। क्या इस पूरे क्या पॉइजन लेने से जो उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, क्या इस एंगल पे भी जांच की जाए? नहीं, देखिए विसरा प्रिजर्व किया गया है, ना तो उसमें पॉइजन का कोई लेख है। जो भी वहाँ से विसरा प्रिजर्व किया गया, यहाँ सैंपल्स कलेक्ट किए गए फॉरेंसिक टीम में, उसको फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, उसके जो परिणाम आएंगे उस बेसिस पे हम आगे कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन अभी तक चार जो पांच लोगों की डेथ हुई है उसमें चार लोगों के मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, इसीलिए उनका विसरा प्रिजर्व किया गया।